एक जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो हर दिन जंगल में जाकर नारियल पानी बेचा करती थी और उन पैसों से अपना जीवन व्यतीत करती थी। ताजा ताजा नारियल पानी ले लो, मीठा मीठा नारियल पानी ले लो, सेहत के लिए सबसे फायदेमंद। ताजा ताजा नारियल पानी ले लो। अरे ओ टुनटुनी बहन, जरा एक नारियल पानी तो देना। जब तक मैं तुम्हारे हाथ का नारियल पानी ना पी लूं, तो मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। हाँ टुनटुनी बहन, टूनी बहन सही कह रही है, तुम्हारा नारियल पानी बहुत ही मीठा और ताज़ा होता है, इसलिए तो हम रोज यहाँ नारियल पानी पीने आते हैं। तब तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। हाँ हाँ बंटी भैया, अभी देती हूँ आपको ताज़ा मीठा नारियल पानी, जिसे पीकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसे ही जंगल के पक्षी रोजाना टुनटुनी का नारियल पानी पीते थे। कुछ दिनों बाद नदी किनारे उसने एक दुकान खोली। सुबह शाम वहाँ टहलने वाले पक्षी उससे नारियल खरीदा करते थे, जिसकी वजह से उसकी दुकान पर बहुत भीड़ हुआ करती थी। टुनटुनी का स्वभाव बहुत अच्छा था। गरीब होते हुए भी वो जरूरतमंद पक्षियों की मदद किया करती थी। एक दिन वहाँ कालू कौआ आता है, जो खिलौने बेचा करता था। कालू कौआ काफी भूखा थका हुआ लग रहा था। अरे कालू, तुम तो काफी थके भूखे लग रहे हो, ये लो ये नारियल पानी पी लो, थोड़ी ताकत आ जाएगी तुम में, गर्मी भी बहुत है, ये लो कालू पी लो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा तुमसे पैसे मांगे, ले लो। जब मेरे खिलौने बिक जाएंगे तब मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। ये बोलकर कालू कौआ नारियल पानी पीने लगता है। उस दिन से कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर आकर रोजाना नारियल पानी पीने लगा। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन ऐसे ही कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर आता है। अरे आज ये टुनटुनी कहाँ गई? कालू कौआ चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन कालू कौआ वापस टुनटुनी की दुकान पर आता है, लेकिन आज भी दुकान बंद होती है। अरे आज भी टुनटुनी चिड़िया नहीं आई, क्या हुआ होगा, मुझे जाकर देखना चाहिए। कालू कौआ पक्षियों से पता पूछते पूछते टुनटुनी के घर आ जाता है। कालू कौआ देखता है कि टुनटुनी चिड़िया चादर उड़कर सोई हुई है। टुनटुनी क्या हुआ आपको, आप बहुत कमजोर दिख रही हो। दो तीन दिनों से आपकी दुकान बंद थी, इसलिए मैं देखने के लिए आ गया। कालू मेरी तबीयत बहुत खराब है, दो तीन दिन से मुझे बुखार हो रहा है, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। टुनटुनी क्या तुम घर में अकेली रहती हो, तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है? नहीं मैं अनाथ चिड़िया हूँ, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मैं अकेली रहती हूँ उस घर में। घबराओ मत टुनटुनी, मैं अभी डॉक्टर को ले आता हूँ। कालू तेजी से उड़ता हुआ घर के बाहर जाता है। घर के बाहर निकलते ही उसे कुछ याद आता है कि कालू अचानक रुक जाता है। वहाँ पास ही नारियल का बड़ा सा पेड़ होता है। अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं डॉक्टर को क्या दूंगा, अब मैं कैसे टुनटुनी चिड़िया की मदद कर सकता हूँ। कालू ये बात सोचकर बहुत नाराज हो जाता है। तभी अचानक वो पेड़ बोलता है, घबराओ मत कालू कौए, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अरे बोलने वाला पेड़, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी हाँ क्यों नहीं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? ए जादुई पेड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी टुनटुनी चिड़िया को ठीक कर दो, वो बहुत बीमार है और मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मतलब या तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ या फिर तुम्हारी दोस्त को ठीक कर सकता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मेरी दोस्त टुनटुनी को ठीक कर दो बस। ठीक है, ये लो इस नारियल का पानी, उन्हें पिलाओ, वो ठीक हो जाएगी। कालू पेड़ का शुक्रिया अदा करता है और वापस टुनटुनी के घर जाता है। जादुई पेड़ का दिया नारियल पानी पीते ही टुनटुनी चिड़िया एकदम ठीक हो जाती है। अरे ये नारियल पानी तो बहुत कमाल का है, तुम्हें ये कहाँ से मिला कालू? इसे पीकर तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। कालू को उसकी खिड़की से टुनटुनी चिड़िया को नारियल का वो पेड़ दिखाता है, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। इस तरह कालू को इन्हें दोस्ती का फर्ज निभाते हुए अपनी दोस्त टुनटुनी चिड़िया की जान बचा ली और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।
के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया और अपने बेटे गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो पैसे कमाती थी और अपने दोनों बच्चों को पालती थी। बारिश का मौसम आने वाला था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। मम्मा देखो ना, जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे हैं। अपना भी तो घोंसला कई जगह से टूट गया है, क्या तुम अपने घोंसले की मरम्मत नहीं करोगी? तू तो देख रही है बिटिया, कितनी मुश्किल से मैं पैसे कमाती हूँ। मैं कैसे अपने घर की मरम्मत करूँ? घर की मरम्मत करने में काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। तभी उसका बेटा गोलू चिड़ा वहाँ से जाने लगता है। अरे गोलू, तू कहाँ जा रहा है? देख रहा है काले काले बादल आकाश में घिरे हुए हैं। कहीं बारिश होने लगी तो तू रास्ते में ही फंस जाएगा। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 500-300 कितने होते हैं। मम्मा तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही घर चला आऊंगा। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ खेलने के लिए। सुबह से घर में बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ। मम्मा मैं तो कहती हूँ तुम बड़ी माँ से कुछ पैसे उधार मांग कर ले आओ, हम लोग उसी से अपने घर की मरम्मत करा लेंगे। तू ठीक कह रही है सुनहरी बेटा, मैं आज तेरी बड़ी माँ के घर जाकर कुछ पैसे उधार मांगूंगी। देखती हूँ अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बड़ी जेठानी के घर जाती है। जेठानी जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए क्योंकि मुझे अपना घर ठीक करना है। बारिश शुरू होने वाली है, कई सालों से मैंने अपनी घर की मरम्मत नहीं की है, कई जगह से मेरा घर टूट चुका है। अगर बारिश होने लगी तो पानी टपकने लगेगा, मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहूंगी? तुम्हें पैसे उधार मांगने में शर्म नहीं आती? पैसे क्या मेरे यहाँ पेड़ पर उगते हैं जो तोड़ के दे दूँ? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे घर का काम करना होगा, तभी मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगी, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। टुनटुनी चिड़िया अपनी जेठानी को कोई जवाब नहीं देती और वापस अपने घर लौट आती है। घर लौटकर वो सुनहरी को सारी बात बताती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से बात कर ही रही थी कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है और उनके घर में पानी टपकने लगता है। ये देखकर सुनहरी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मम्मा आप परेशान मत हो, मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुनहरी चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुनहरी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे घर पक्का करने के लिए कुछ नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आता है। सुनहरी को परेशान देख कर वो उससे पूछता है, बेटा तुम यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठे हो? अंकल जी, हमारा घर टूट गया है और बारिश की वजह से उसमें पानी आने लगा है। अब मैं क्या करूं? मेरी माँ भी बहुत परेशान है। बेटा मैं पास के ही जंगल में रहता हूँ और तरबूज बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूँ। मेरे पास तरबूज के बहुत सारे छिलके हैं, उसके छिलके बहुत मजबूत हैं। तुम चाहो तो उससे अपना घर बना सकते हो। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश होती है और बंटी कबूतर से तरबूज लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, हम अब तरबूज का घर बनाएंगे और उसमें आराम से रहेंगे। बेटा तूने तो बहुत अच्छा काम किया, चल अब मिलकर अपना घर बनाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी तरबूज से अपना घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। सभी पक्षी उनके घर की तारीफ करने लगते हैं। एक दिन हरी काकी टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। अरे टुनटुनी, तू भी हमारे लिए ऐसे तरबूज का घर बना दे, इसमें जितने पैसे लगेंगे तुम उससे ले लेना। ठीक है हरी काकी, मैं आपके लिए भी तरबूज का घर बना दूंगी। अब सुनहरी चिड़िया बंटी कबूतर से तरबूज के छिलके ले आती है और टुनटुनी चिड़िया तरबूज का घर बनाती। सुनहरी बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने घर भी बना दिया और अब इसी घर से हमारे घर का खर्चा भी होने लगा। तू बहुत ही समझदार है बेटा। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया तरबूज का घर बनाकर बेचती है और खुशी खुशी रहने लगती है।